पीचू, आज मैंने तुझे इसलिए बुलाया है मिलने के लिए क्योंकि पीचू अब तुझे मेरे से सिर्फ फोन में ही बात करनी होगी। अब तुझे मेरे बिना रहना पड़ेगा। गोमू, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं क्यों रहूंगी तुम्हारे बिना दूर और फोन में ही क्यों करूंगी बात? क्या तुम मुझे अब मिलोगे नहीं? हाँ पीचू, आज मैं जा रहा हूँ। आज संडे है और पीचू मैं आज मुंबई जा रहा हूँ। मेरी जॉब मुंबई में लग गई है तो मुझे अब जाना होगा। गोमू, ये तो आपका करियर का सवाल है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तुम चले जाओ गोमू और मुझे फोन करते रहना। पीचू, रोना मत, ठीक है? मैं जल्दी कोशिश करूंगा आने की और तुमसे जरूर मिलूंगा। फिर वहां से आने के बाद हम शादी करेंगे। गोमू को तो आज 5 दिन हो गए हैं और गोमू ने तो मुझे फोन ही नहीं दिया है। गोमू मुझे भूल गया। गोमू मुंबई में जाके मुझे भूल गया। गोमू ने मुझे झूठ बोला। ब्रेकिंग न्यूज़, आज के मुख्य समाचार। आज विमान हादसे में करीबन 18 लोग जख्मी हैं और कई लोग लापता हैं। इसकी सूचना आज सुबह ही मिली है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। नहीं गोमू, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, प्लीज मेरे गोमू को कुछ मत होने देना। 2 साल बाद पीचू बेटा, अब काफी साल हो चुके हैं और तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तो मैंने सोचा है कि पीचू अब मुझे तुम्हारी शादी कर लेनी चाहिए। पीचू, मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, एक बार तुम उसकी फोटो देख लो, फिर हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। पापा, नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। पापा प्लीज, मुझे शादी के लिए मत कहो प्लीज। जैसी तुम्हारी इच्छा। कृष्ण भगवान, हे मेरे लड्डू गोपाल, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मेरे गोमू को मेरे पास भेज दो। मैं गोमू के बिना नहीं रह सकती हूँ। हे भगवान प्लीज, मेरे गोमू को मेरे पास भेज दो। मुझे माफ कर दो, और मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था पीचू, इसलिए मैं तुझे फोन नहीं कर पाया था। मैं हॉस्पिटल में था, मैं आज ही ठीक हुआ हूँ। पीचू, मैं घर आ रहा हूँ। मेरे लड्डू गोपाल ने मेरी सुन ली, देखा? मेरे लड्डू गोपाल मेरी कितनी जल्दी सुनते हैं। हे लड्डू गोपाल, इस बार तो मैं अपने गोपों के साथ जन्माष्टमी बहुत अच्छी और बड़ी धूमधाम से मनाऊंगी।